डायग्नोस काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और पिछले वीडियोस में हमने बीएएमएस और बीएचएमएस के कट ऑफ के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीयूएमएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो बीएएमएस में थोड़ा बहुत हमें संस्कृत पढ़ना होता है, बीयूएमएस के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, उर्दू थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो जो माइनॉरिटी क्लास से आते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए तो बहुत आसान होता है, पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कोर्स टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उर्दू पढ़ना पड़ता है, आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या होगा इसका। तो देखो जैसे बीएएमएस बीएचएमएस में ऑल इंडिया कट ऑफ हाई था, स्टेट कट ऑफ लो था, यहाँ पर भी ऑल इंडिया कट ऑफ थोड़ी बहुत क्या होगी, हाई होगी, लेकिन बीएएमएस और बीएएमएस से कम होगी, लेकिन बीएचएमएस से थोड़ी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, बात करूं मैं ऑल इंडिया कोटा के लिए तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 550 प्लस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जाएगा 530 प्लस, एससी का जाएगा 500 प्लस और एसटी का जाएगा 490। तो ये एक एवरेज कट ऑफ है, ये 5 नंबर ज्यादा 10 नंबर ज्यादा और कम भी हो सकता है। बात करेंगे अगर स्टेट कोटा की तो फिर से वही बात कि अलग अलग स्टेट का, स्टेट कोटा का कट ऑफ अलग अलग होता है। कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं जिनके कट ऑफ क्या होते हैं, हाई होते हैं। जैसे जनरल का कट ऑफ जाएगा स्टेट की बात करें तो हम 520 प्लस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जाएगा 510 प्लस, एससी का जाएगा 490 प्लस और एसटी का जाएगा 480 प्लस। मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप चाहते हो कि अपने स्टेट से बाहर जाकर किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो आप पहले ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग कराओ। और ये बात ध्यान से सुन लो कि जो आप चॉइस फिलिंग में कॉलेज डालोगे उसमें से ही आपको कॉलेज मिलेगा, अलग से कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपका मार्क्स अगर कुछ ऐसा है 500, 550, 540 के आसपास, अगर आपको बीयूएमएस चाहिए तो आपको टॉप के कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आपको सिलेक्टेड कॉलेजेस को सीक्वेंस में डालो, इसके ऊपर हम एक वीडियो आपको जल्दी से दे देंगे कि कैसे आपको प्रीफरेंस देना है कॉलेजेस को, चाहे वो बीएएमएस हो, चाहे वो बीएचएमएस हो, चाहे वो बीयूएमएस हो, और एक नया कोर्स जो बीएसएमएस है जिसके बारे में बहुत लोगों को तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।